उनको क्या मालूम जी भाई 8 तारीख के दिन कंप्लेन देने के वास्ते आए, कंप्लेन की क्या करे, जाके भिजा दिए। दूसरे दिन फिर आया साहब, ऐसा फोन आ रहा साहब, बहन हमारे आके गए बोल के, बोले साहब ड्यूटी पे नहीं है, 11 बजे रात को चले गए। दूसरे दिन आओ बोले साहब, हमने ACP साहब पे जाके बोलते जाओ, ACP साहब को भी हमने ऑलरेडी बोल दिया, नहीं लेते जाओ बोल के भिजा दिए। आज क्या होगा, यही पुलिस वालों के चक्कर में जो है हमारी बहन की जान चले गई। खास साहब लोग यहाँ के जो है हमारे को साथ दे रहे, तो अब बोल रहे जान दो बोल रहे, जान चले गए बाद में कौन देखते साहब, बोलो आप, अब तो हमारी बहन मर गई ना, आप बोल रहे नहीं उन्होंने सुसाइड कर लिया। बोलता पहले कहीं को नहीं देखे ये चीज, तुम क्या बोले, पहले हमारी बहन भाग गई, जाओ तुम ना पहले मालूम करो, बोल रहे हमारे कैसा मालूम होता, मालूम करने के वास्ते PS को आए। अब बोल रहे साहब, साहब के सामने नहीं, अब बात करते, अब बोलते, अब क्या करते साहब लेके, बोलो मोचरी में बॉडी पड़ी हुई है, अब तक बॉडी हाथ को नहीं दिए, खाली चल रहे, खाली यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ फिर रहे, अब आए वही लोग बोल के बात कर रहे, तो अब जो जवाब दे रहे, अब किसको सुनाएंगे, बोलो आप, जान तो चले गए ना सब हमारी बन की, काइकू नहीं दिए, वो पूछो जाके ऊपर, आप साहब के सामने बोल रहे देते बोल के, नहीं बोले कुछ भी, आप बोल रहे साहब आए तो देते बोल के, अब क्या करेंगे लेके, मर गई ना मरने वाली, तो अब आए तो बोलते नहीं तो भूल जाते, हाँ हिसाब नहीं करते, चले जाना जान, है तो पूछने वाले तो आए तो बोलते, नहीं तो मर गया कौन था कि छोड़ दो लावारिस बोल के। सिस्टर का नाम क्या है? अरे नाम हमारी बहन, नाम लेके क्या करते, क्या करते नाम तो कुछ नहीं, सब कर रहे, क्या करते करके वहाँ जाके सब दिए, तो फोटो लाओ, आधार कार्ड लाओ, सबको लेना, नहीं लिए ना कुछ भी, साहब को लगा भाई, साहब को ना लगा मैडम, कुछ साड़ी चेहरा हिंदी लेके लोगों से बताओ भैया, भाई जरा तुम इधर आ गए, राजा तो मामू के साइड में ना, पीछे लेके लो भैया, भाई जरा लोगों बताओ जी, लोगो ऊपर लियो, तेलुगु वाले हटा दो, तेलुगु वाले हटा दो ना, लगा 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 भैया, भाई है ना वीडियो, है ना कैम दिया ना, क्यों कैम दिया ना भाई, अन्ना एम తీసుకుంటావు, ओके ओके रहने दो भैया, जरा तुम पीछे लो जी भैया, अस्सलाम वालेकुम, मिसिंग थे उनकी लाश बरामद हुई है मोइनाबाद के पास जली हुई हालत में, मतलब उसकी तहकीकात किया गया तो कराना यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की कि उनकी बहन यहाँ पे लापता, मगर कंप्लेन दर्ज नहीं कर किया गया, और उसको मगर दर्ज किए हुए अपराधी खानदान को यहाँ पर गैर गलत बातें कर कर और दर्ज कर यहाँ से बढ़ा दिया गया। अपराधी खानदान तक उसने दिलाया और यहाँ के SI और CI से मुलाकात करने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और उनको ये बताया गया कि कहीं चली गई होगी, किसी के साथ चली गई हो गई, एक बाद में आ जाएगी। और आज जब मालूम हुआ कि ये इंतकाल हो चुका है ऐसे दरदार तरीके से, तो इस बात में ताजुब था कि आज 12 तारीख है, 8 तारीख से बच्ची मिसिंग है, और आज तक भी अमित नगर SHO ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की अपनी लापरवाही की वजह से। ये पहली बार यही हुआ है अमित नगर पुलिस में, ये हमेशा ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पे जब भी कोई गरीब अपनी कंप्लेंट उठाने आ रहा है तो यहाँ पे एक अलग एटीट्यूड से उसे बात किया जा रहा है, गैर ज़रूरी तरीके से हरासान किया जा रहा है। और अब हम सुब्रमण्यम के हुक्म पे हम DCP साहब से मिले जो यहाँ पर आए, हमने अफराज ख़ानदान से उनको बात कराई, अफराज ख़ानदान ने DCP साहब के सामने पूरे तफसीलात किए कि वो कब आए थे, कब कंप्लेंट किया था, किससे मुलाकात की थी, कौन कौन ने इनसे किस तरीके से बात की, और DCP साहब ने यह मुतमईनी दी है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे। और पूरे यहाँ के नामपली के तमाम पुलिस स्टेशनों में ये भी ताकीद करेंगे कि कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेन लेके आता है तो उसको फौरी तौर पर दर्ज किया जाए, उसको ये ना कहा जाए कि किसी के साथ चले गई हो गई या कभी आ जाएगी, ये अल्फाज इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। पुलिस का महकमे का काम ये है कि कोई परेशानी लेकर आता है तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले। हम यहाँ पर अपना मुतालबा लेकर आए हैं
कि यहाँ के SHO ने गलती की, यहाँ के SIO ने गलती की और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे बातों में इसको उलझा नहीं सकते और इसको टाल नहीं सकते। यहाँ के लोग जो मजलूम बनकर आपके पास आते हैं तो आपका फरीजा बनता है कि उनके ऊपर फौरी तौर पर उनकी कंप्लेन को लिखा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। आप कुर्सी पर बैठकर अपने सहूलत से उनसे बात नहीं कर सकते और अपनी सहूलत से काम नहीं कर सकते। फौरी तौर पे प्रोएक्टिव तौर पे ये काम करना पड़ेगा। आज इन लोगों की लापरवाही की वजह से आज एक बच्ची की जान चले गई। हो सकता ये है कि ये बेशक ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर अगर ये लोग जब कंप्लेन हुई जब ही प्रोएक्टिव तौर पे अगर अपना काम अंजाम देते तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी, जो यहाँ के SHO और यहाँ के SI की वजह से, इसकी लापरवाही की वजह से आज चले गई। हम कमिश्नर हैदराबाद और तमाम जिम्मेदारान से ये अपील करते हैं और ये मुतालबा करते हैं, अपील की बात नहीं है, मुतालबा करते हैं कि यहाँ के हबीब नगर PS के तमाम जो इस हादसे में जिम्मेदार है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको ऐसी हिदायत दी जाए कि दूसरे PSOs को भी एक मिसाल कायम हो, ये हम उम्मीद करते हैं। और आज हमने ये भी गुजारिश की है कि जल्द से जल्द फैमिली मेम्बर्स को वो पोस्टमार्टम करते हुए बॉडी हवाले की जाए ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें, मगर इस चीज़ को सीरियस तौर पर कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेना पड़ेगा और इस पर सबसे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। FIR बुक करें, अब पूरे तफसीलात अभी देंगे, अभी तो जगह है नींद में से, अभी तक तो सो रहे हैं। पूरे तफसीलात अब ये जब हम आए आके यहाँ पर मुतालबा किया, सुबह तक भी इन लोगों को समझा रहे थे, आज जब हम आए हैं और यहाँ पे सख्ती से हमने मुतालबा किया है, अब थोड़ी देर में पूरे तफसीलात मिलेंगे। यहाँ के SHO की नींद भी नहीं खुली है, अब यहाँ के तफसीलात पूरे मिलेंगे, आपको भी हम अपडेट करेंगे। पहले हमने ये कहा कि इस पर एक्शन लिया जाए और बच्ची की बॉडी को फौरी तौर पर घर वालों के हवाले से बाबू और SI शिवा इसमें इनके ऊपर आप लोग कुछ कंप्लेंट वगैरह करेंगे तो बिल्कुल, अगर महकमा आज शाम तक उनके ऊपर नहीं लेगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। हम किसी किस्म से यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेने नहीं आए, अगर लेना होता तो आज जुम्मे का दिन था, हम यहाँ पे तमाशा कर देते थे। हमारा मुतालबा ये है कि इनसे हम उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ पे ये सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे और एक्शन लेके इनको बताना पड़ेगा। पुलिस की जानिब से ये केस को सुसाइड किल बताया जा रहा है तो इसके लिए सेक्शंस के लिए अभी हमारी ये उम्मीद है जो हमने बात की है, अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है, तो पोस्टमार्टम में यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि बच्ची ने अपने आप को जला लिया, यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ उस बच्ची के साथ और उसके बाद ही FIR सही तौर पर दर्ज होगा। चलो चलो